वैसे तो अदाकारी हम बचपन से ही कर रहे होते हैं, लेकिन मैंने किसी दौर में ये सोच लिया था कि एज प्रोडक्ट अगर अपने आप को रखना हो तो सबसे अच्छा प्रोफेशन क्या होगा। तो मुझे अदाकारी ने बहुत ज़्यादा इम्प्रेस किया और मुझे लगा कि इसे पढ़ना चाहिए, सीखना चाहिए और फिर इसे प्रोफेशन बनाना चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा है। मुझे हमेशा उनसे दुआएं मिली, मुझे उनसे हमेशा सजेशंस, मशवरा जो है उन्होंने मुझे दिया हमेशा। ज़्यादातर जो यूथ है, यंग जितने भी लोग हैं, लड़के लड़कियां जितने भी अभी आ रहे हैं माशाल्लाह, उन्होंने हमेशा मुझे कुछ ना कुछ पूछने के बजाय कुछ ना कुछ गाइड किया, पूछा भी और मशवरा भी दिया। तो अच्छा है। स्ट्रगल तो अभी भी है, स्ट्रगल का तो ताल्लुक है जब तक आपकी लाइफ है, आपकी ज़िंदगी, आप स्ट्रगल करते रहते हैं। और कभी कोई मुश्किलात अगर आपको हों तो वही स्ट्रगल है जिससे आप निकल आते हैं, और अभी तक जारी है इंशाल्लाह। ज़िंदगी जब तक है तब तक स्ट्रगल करते रहेंगे। एक डिसीजन लिया था, वो उस वक्त जिस वक्त मुल्क के हालात काफ़ी नासाज थे, वर्ल्ड कप पाकिस्तान जीता था, तो उस वक्त पता नहीं क्या हुआ और उस वक्त हमने सोचा, बल्कि मैंने सोचा कि अदाकारी पढ़ी जाए और विदाउट एजुकेशन ये काम ना किया जाए। तो उस वक्त इंस्टीट्यूट नहीं थे इस मुल्क में, लेकिन अचानक से मुशर्रफ साहब जो है वो आए और उन्होंने नैपा बनाया और ये डिसीजन मैंने लिया, जिससे मैं कई सारे गलत डिसीजन से बच गया।